हेलो बच्चों, दक्षिणा ही क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों 2017 का जेई एडवांस का पेपर नंबर वन। इसमें बच्चों एवरेज पेपर था, ये हमारा टफ नहीं था। इसमें कुछ ही क्वेश्चंस आपके टफ थे और इसमें बच्चों जो क्वेश्चन थे टोटल मैथ्स में कितने थे, 18 क्वेश्चन थे और सेक्शन 3 में मैथ्स वाला पार्ट था आपका। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। 37 में आपको दिया गया है कि एक लाइन दी गई है जो कि टेंजेंट है एक हाइपरबोला पे। तो फिर आपको ये बताना है कि कैन नॉट बी साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ऑप्शंस में आपके नंबर्स दिए गए हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, 2x - y + 1 = 0, ये आपका लाइन दिया गया है जो कि टेंजेंट है इस हाइपरबोला पे। x² / a² - y² / 16 = 1, ये बच्चों टेंजेंट है। तो बेसिकली एक ही पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी ये आपको निकालना आना चाहिए। तो अगर बात करें बच्चों इस लाइन को, तो इस लाइन को लिखा जा सकता है y = 2x + 1। तो बच्चों आप ये जानते हैं कि हमारा इस हाइपरबोला के लिए हमारा क्या होता है, y = m स्लोप का टेंजेंट क्या होता है, y = mx + √a² m² - b² ऐसा होता है। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए होता है बच्चों। तो m का वैल्यू यहाँ पर कितना है, m का वैल्यू आपका 2 के बराबर है। तो y = 2x + sin लिया जाएगा, ये प्लस में इंटरसेप्ट है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है और एम स्क्वायर का वैल्यू बच्चों 4 हो जाएगा -b² = 16। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप इसको और इसको कंपैरिजन करें, ये हमारा जनरल हमारा टेंजेंट का इक्वेशन था बच्चों ऑफ स्लोप m। तो ये आ गया 1 = √4 a² - 16। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 = 4 a² - 16 means a² = 17 upon 4 के बराबर, means a = ±√17 upon 2 के बराबर। बच्चों a हमारा क्या था, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है जो भी यूज किया गया है ऑप्शंस में। तो आप बोल सकते हैं a का वैल्यू कौन सा ही आपको लेना होगा, √17/2 लेना होगा। अब बच्चों इसमें ऑप्शंस में दिया गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के लिए आपको मालूम है बच्चों कि अगर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो बच्चों क्या होता है, a² + b² = c² इफ द राइट एंगल इज एट वर्टेक्स सी। तो बच्चों ये आप यहाँ से अब डिसाइड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि ये बोला गया है कि इफ ए कॉर्ड विच इज नॉट ए टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y² = 16x, ये बच्चों पैराबोला है, इसका एक कोई कॉर्ड है वो टेंजेंट नहीं है, हैज द इक्वेशन, इक्वेशन है 2x + y = p के बराबर है और मिड पॉइंट इस कॉर्ड का बच्चों क्या दिया गया है, h, k। ये क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो फिर हमारा पी एच के की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी ये निकालना है बच्चों। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर आपका क्या इक्वेशन होता है, t = s1 इक्वेशन ऑफ हमारा कॉर्ड होता है। तो t आपको बच्चों मालूम होगा कि h, k के रेस्पेक्ट में t लिखें तो ये क्या होगा बच्चों, y into k माइनस हमारा ये ऐसा इस कर्व को लिख सकते हैं y² - 16x = 0। तो बच्चों y into k और ये क्या आएगा हमारा 16 और x की जगह पर रहेगा बच्चों x + h / 2। ऐसा ये हमारा हो गया बच्चों t का वैल्यू हो गया s1 का मतलब हुआ बच्चों ये रख देना है। तो ये आएगा आपका k² - 16h, ऐसा आ गया। अब ये अगर आ गया है बच्चों तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है बच्चों, सेम है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये क्या आया बच्चों, yk - 8x - k² + 16h = 0 मीन्स आया आपका yk - 8x = बच्चों क्या आ गया, k² - 8h, ऐसा निकल कर आ गया। अब बच्चों इनमें कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल करना होगा क्योंकि ये दोनों सेम लाइंस हैं बच्चों। तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 1/, इसको लिख दें यहीं पर, y + 2x = p।
तो ये बनकर आएगा बच्चों के अपॉन वन इज इक्वल टू माइनस एट अपॉन टू इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एट एच अपॉन टी के बराबर। तो यहाँ से बच्चों के इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, माइनस फोर मिल गया। इस रेशियो से के का वैल्यू आप रख दें बच्चों तो फिर क्या होगा, एच एंड पी में रिलेशन मिल जाएगा। अब उस रिलेशन को कौन सा हमारा एच पी यहाँ पर सेटिस्फाई करता है वो आप निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसमें के का वैल्यू माइनस फोर, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है कि आपको कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। इसमें फंक्शन दिया गया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा x इंटू कॉस ऑफ पाई टाइम्स हमारा x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसा है। बच्चों क्या करना है कि इसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसमें हमारा जो डाउटफुल पॉइंट है जिसपे डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है वो कौन से पॉइंट होंगे बच्चों। एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पर, तो वो किस पॉइंट, किन पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, वो इंटीजर्स पे होता है। तो बच्चों इसको आप ये सोचें कि हमारा x इज इक्वल टू, आप क्या चेक कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, x इज इक्वल टू n पे, n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो अगर आप बात करें बच्चों कि हमारा एफ एन, तो एफ एन कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा n इंटू कॉस ऑफ पाई, x का वैल्यू बच्चों n है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n क्या हो जाएगा बच्चों, n ही हो जाएगा। तो ये ऐसा आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया बच्चों, ये आ गया n इंटू कॉस ऑफ 2n पाई। 2n पाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 1 के बराबर होता है, तो fn आ गया आपका n के बराबर निकलकर। ऐसे ही बच्चों बात करें कि LHL, LHL एट हमारा x इज इक्वल टू n, तो ये अगर निकालना हो तो लिमिट x टेंड्स टू n माइनस करना होगा बच्चों। n माइनस करेंगे तो ये आएगा बच्चों एफ एक्स ऐसा। तो इसका वैल्यू अगर आप सोचे लिमिट एक्स टेंड्स टू एन माइनस है, तो इसका वैल्यू तो बच्चों एन ही आपको रखना होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो कॉस ऑफ ये क्या बन गया, पाई, और ये एक्स की जगह बच्चों एन ही रखना होगा। लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बच्चों कितना होगा, वो एन माइनस वन बन जाएगा, मीन्स एन माइनस वन बन गया। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आपका आ गया कॉस ऑफ 2n माइनस 1 टाइम्स पाई, जिसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, माइनस 1 के बराबर। तो ये बन गया माइनस n, मींस LHL आपका क्या निकल कर आ गया, माइनस n। RHL बच्चों निकालें, RHL एट x इज इक्वल टू n, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, n प्लस अगर हुआ तो बच्चों इसको क्या करेंगे हम लोग, ये n ही हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, cos ऑफ बच्चों पाई, और ये एन प्लस एन हो जाएगा। ये आपको इतना बच्चों समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है कि एन, अगर एक्स का वैल्यू एन प्लस रखा जाए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों, एन के बराबर होगा। तो ये क्या निकल कर आ गया यहाँ से, कॉस ऑफ टू एन पाई, टू एन पाई वेयर एन इज इंटीजर है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, तो ये एन निकल कर आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों माइनस एन आ गई, ये एन आ गई, राइट हैंड लिमिट बच्चों एन के बराबर है। तो अब ये किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, आपको किन किन पॉइंट पे चेक करना था, माइनस वन पे, जीरो पे, वन पे, टू पे। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस किस पे होगा, माइनस वन पे होगा, वन पे होगा, टू पे होगा, जीरो पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो पे LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू जीरो हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब बात करते हैं बच्चों 40th क्वेश्चन की, 40th क्वेश्चन भी हमारा लॉजिकल क्वेश्चन है। उसमें आपको दिया गया है बच्चों कि लेट f r, एक फंक्शन डिफाइंड है आपका r टू हमारा 0 to 1। इसका मतलब इसका जो कोडोमेन है बच्चों इसको माइंड में आपको रखना है, 0 to 1 है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आपको दिया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग
हैज द वैल्यू जीरो एट सम पॉइंट इन द इंटरवल। आपको बच्चों ऑप्शंस में जो फंक्शन दिए गए हैं उनको चेक करना है कि कौन सा हमारा जीरो होगा, किसका जीरो हो रहा होगा, मतलब किसकी वैल्यू जीरो हो रही होगी इन द इंटरवल 0 to 1। ये आपको बच्चों ध्यान देना है। तो फिर अगर बात करें ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी था, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया फंक्शन एच एक्स मान लें उसको एक्स की पावर 9 माइनस हमारा एफ एक्स ऐसा दिया गया है। तो अगर एच जीरो निकालें तो क्या आ रहा है बच्चों माइनस एफ जीरो ऐसा, और एच वन का अगर बात करें तो क्या आ रहा है 1 माइनस एफ वन ऐसा हो रहा है बच्चों। तो आपका एफ एक्स क्या था बच्चों 0 से 1, ये ओपन इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल है, तो ये क्या हो गया बच्चों ऑटोमेटिक आपका निगेटिव नंबर है। और ये इसका अगर बात करें ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आप बोल सकते हैं कि हमारा एच एक्स विल हैव ए रूट इन द इंटरवल विल हैव ए रूट इन द इंटरवल 0 to 1। 0 to 1 के बीच में क्या होगा बच्चों कि एक बार ये जीरो जरूर हो रहा होगा, तो ऐसा आप तुरंत इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से बोल सकते हैं। एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस था बच्चों, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो फिर उनका सम एंड डिफरेंस भी क्या होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस होता है। सेकेंड अगर ऑप्शन का बात करें तो उसमें फंक्शन है बच्चों उसको भी एच एक्स आप मान लें तो वो है आपका एक्स माइनस 0 to π/2 माइनस एक्स एफ टी कॉस टी डी टी ऐसा है बच्चों। तो फिर यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा एच जीरो निकालना होगा एच वन निकालना होगा। बेसिकली ये चारों ऑप्शंस आपके इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड है बच्चों कि अगर किसी एक पॉइंट पे हमारा निगेटिव हो रहा है और वो एक किसी पॉइंट पे आपका पॉजिटिव हो रहा है वैल्यू फंक्शन का, तो बच्चों अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप बोल सकते हैं कि बच्चों वो हमारा जरूर एक्स एक्सिस को क्रॉस किया होगा, मतलब जीरो उसकी वैल्यू हुई होगी। तो यहाँ पर अगर इसका बात करें तो ये हो गया बच्चों माइनस टाइम 0 to π/2 हमारा एफ टी कॉस टी डी टी। तो बच्चों अगर इसका अगर आप बात करें तो ये एफ टी आपका 0 से 1 था इस इंटरवल में 0 से π/2 में, ये कॉस टी क्या होता है cos t भी आपका क्या रहता है पॉजिटिव रहता है बच्चों, तो ये नेगेटिव लगा हुआ है तो ये लेस देन 0 रहेगा। और h1 का अगर बात करें तो ये 1 माइनस बच्चों 0 to π/2 माइनस 1 एफ टी कॉस टी डी टी ऐसा आ जाएगा बच्चों। तो ऐसा अगर निकल कर आ गया तो फिर आप देख सकते हैं बच्चों इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू बच्चों क्या होगी 1 से छोटी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एफ टी का मैक्सिमम वैल्यू भी अगर सोचें आप तो 1 होगा, और इसका अगर बात करें कॉस टी का उसका भी मैक्सिमम वैल्यू होगा नहीं एक्चुअल में, लेकिन उसका भी तो इसका एफ टी इंटू कॉस टी क्या होगा बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 हो सकता है। तो इस इंटरवल में इसका वैल्यू क्या हो गया π/2 माइनस 1, तो 1 माइनस ये बच्चों तब भी पॉजिटिव हो गया, तब भी पॉजिटिव हो गया, तो फिर आप बोल सकते हैं कि ये ऐसा हो गया। तो आप तुरंत बोल पाएंगे कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा बच्चों, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों सी ऑप्शन का, मतलब थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में एच एक्स आपको एफ एक्स किसको एच एक्स मान ले बच्चों एच एक्स इज इक्वल टू e की पावर एक्स माइनस 0 to x एफ टी साइन टी डी टी। बच्चों सब में सेम ही लॉजिक लगाना है आपको। ये अगर दिया गया है तो फिर क्या कर सकते हैं आप कि फिर से एच जीरो अगर निकालें तो e की पावर 0 मतलब 1 हो गया, ये हमारा 0 to 0 एफ टी साइन टी डी टी। तो ये क्या आ गया बच्चों ये 1 आ गया है, एच जीरो इज इक्वल टू 1 है। एच 1 का अगर बात करें तो e माइनस 0 to 1 एफ टी डी टी एफ टी साइन टी डी टी, ये है बच्चों एफ टी साइन टी डी टी तो आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकती है। तो e माइनस 1 मतलब ग्रेटर देन 0 है बच्चों, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो आप यहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि हमारा ये
जीरो टू वन इंटरवल में कभी भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एच जीरो पॉजिटिव है, एच वन भी पॉजिटिव है। ऐसे ही बच्चों फोर्थ ऑप्शन के लिए अगर आप चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि बच्चों एच एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एफ एक्स प्लस ये दिया गया है बच्चों जीरो टू पाई बाई टू एफ टी साइन टी डी टी। तो बच्चों ये भी आपका क्या था, जीरो से वन के बीच में था, ये भी वैल्यू जीरो से हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये साइन टी भी आपका जीरो से पाई बाय टू के बीच में पॉजिटिव रहता है, ये भी बच्चों पॉजिटिव ही है जीरो से वन के बीच में, तो ये हमेशा पॉजिटिव है बच्चों। तो इसका भी हमारा क्या होगा, कोई रूट नहीं रहेगा जब इसकी वैल्यू एच एक्स की जीरो हो रही हो इन द इंटरवल जीरो टू वन। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। तो बच्चों इसमें ऑप्शंस में से ही आपको अप्रोच करना है। तो चारों के चारों बच्चों क्या दिए गए हैं, आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि जैसे आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है A11, A22, A33 ऐसा है बच्चों, और ये आपको दिया गया है 3x3 मैट्रिक्स ही है बच्चों। इसको ए मान लें आप तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, A11 स्क्वायर, A22 स्क्वायर, A33 स्क्वायर, ये जीरो ये जीरो, ये ऐसा होता है बच्चों। और कोई भी हमारा बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका अगर स्क्वायर आप करें तो फिर क्या होगा बच्चों, इसका अगर डिटर्मिनेंट भी लिया जाए तो वो क्या आएगा, डेट ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो होता है बच्चों। तो इसमें हमारा बस यही करना था कि अगर वो स्क्वायर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑप्शन में दिया गया है बच्चों विथ रियल एंट्रीज तो फिर क्या होगा बच्चों, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बच्चों फर्स्ट केस में हो रहा है, और किस केस में हो रहा है बच्चों, हमारा सी केस में हो रहा है। लेकिन पूछा क्या गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी एंड डी हो जाएगा। मतलब हमारा ये मैट्रिक्स जो दिया गया है बच्चों इसका अगर आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें, इसका अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों निकालें तो वो माइनस वन आ रहा है, और ये अगर किसी मैट्रिक्स का बच्चों स्क्वायर है तो उसका वैल्यू जरूर क्या होना चाहिए बच्चों, डेट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये निगेटिव आ रहा है। तो ऐसा बच्चों विथ रियल एंट्रीज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही बात करें बच्चों ये जो एक मैट्रिक्स दिया गया है -1 -1 0 0 0 0 0 0, तो इसका भी बच्चों क्या वैल्यू है, डिटरमिनेंट का -1 के बराबर, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा बच्चों। जिसके लिए क्या हो कि ये किसी भी हमारा ये जो मैट्रिक्स दिया गया है किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाए। अब बच्चों बात करते हैं हमारा 42 नंबर। 42 नंबर क्या है, आपको समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली समझने वाली चीजें बच्चों ज्यादा होती हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो बात करते हैं 42 में अगर देखें तो ए बी एक्स वाई ये क्या है बच्चों, रियल नंबर्स हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया गया है, वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमारा ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू वाई दिया गया है। तो बच्चों एक्स का वैल्यू आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो फिर बच्चों यही आपके ऑप्शंस में भी दिए गए हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलीफाई करना है, मीन्स एक्स प्लस आई वाई प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 और क्या हो गया प्लस आई वाई, ऐसा इस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कौन सा पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों इसमें आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी प्लस ए आई वाई ऐसा इनटू बच्चों क्या करेंगे एक्स प्लस वन माइनस आई वाई
ऐसा ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली जो डिनोमिनेटर में है बच्चों, तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई आप करें तो फिर क्या आएगा, वो आएगा बच्चों एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ऐसा आ जाएगा। अब बच्चों इसका आपको लेना क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो वो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, वाई के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट यहां से निकालना है, तो वो इमेजिनरी पार्ट लेंगे बच्चों, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, इससे, तो ये आएगा माइनस वाई इन टू ए एक्स प्लस बी, इसको किससे किया जाए, इससे किया जाए बच्चों, तो ये आएगा प्लस एक्स प्लस वन इन टू ए वाई, ऐसा आएगा, अपॉन अपॉन रहेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों इसमें क्या दिया गया, वाई जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाई ये वाई ये वाई कैंसिल कर सकते हैं। अब कैंसिल अगर कर दिया तो बचेगा क्या बच्चों, माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस ए, ये प्लस में रहेगा, इज इक्वल टू बच्चों एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा बनेगा। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वाई वाई कैंसिल कर दिया। अब ये अगर आ गया तो बच्चों इसको आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आएगा। और बच्चों अगर इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो वो क्या बन रहा है, आप यहाँ पर देखें, ये बच्चों क्या हो रहा है कि हमारा a माइनस बी, a माइनस बी आपको दिया गया था बच्चों वन के बराबर, तो a माइनस बी वन रख दिया। यहाँ पर देखें बच्चों, ये x कॉमन लें, x कॉमन लें तो बच्चों क्या था, a माइनस बी, a माइनस ये बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखें आप तो, अच्छा ax बच्चों कट भी गया है, तो ये वन ही सिर्फ इस तरफ बचा है, तो ये आ गया बच्चों वन इज इक्वल टू इसके बराबर, तो वन वन कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल कर आया बच्चों, ये आया आपका एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो के बराबर। अब बच्चों ये निकल कर आ गया है तो आपको करना क्या था वो हम लोग देखते हैं। ये निकल कर आ गया है बच्चों, तो आपको x को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना था, y के टर्म्स में करना था। तो बेसिकली बच्चों ये x प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसा करें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इधर आएगा वन माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इस टर्म को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली आप क्या कर सकते थे, एक्स में बच्चों क्वाड्रेटिक मान के एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई भी निकाल सकते थे। तो ये क्या निकल कर आ गया बच्चों, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है, यही आपको निकालना टारगेट था बच्चों। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, ये बोर्ड लेवल का एक्चुअल में क्वेश्चन है, अगर आप इसको इंटरप्रेट कर पाते हैं तो। अब बात करते हैं बच्चों, तो इसका ऑप्शन आपका कौन कौन सा सही हो गया बच्चों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 43 में क्या है बच्चों, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये 43। इसमें आपको दिया गया है इफ एक्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी टू इवेंट सच दैट पी एक्स का वैल्यू बच्चों दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री पी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू दिया गया है वन अपॉन टू पी ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिया गया है बच्चों टू बाई फाइव। तो आपको बेसिकली बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत सारे टर्म्स हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना है, उनकी वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है आपको मालूम होगा, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई, इसका वैल्यू बच्चों क्या होता है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी एक्स। तो बच्चों पी एक्स आपका वन बाई थ्री है, तो पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, पी एक्स इन टू टू बाई फाइव, तो पी एक्स का वैल्यू बच्चों वन बाई थ्री रख दें, तो वन बाई थ्री टू बाई फाइव, ऐसा मीन्स टू वाई क्या आ गया बच्चों 15। तो ये वैल्यू बच्चों निकल कर आ गई है, तो आपका क्या होगा, पी वाई भी निकल कर आ जाएगा। तो ये बच्चों आप यहाँ पर ऐसा करें कि ये वैल्यू रख दें टू बाई फिफ्टीन इन पी वाई, ऐसा आ गया बच्चों, तो यहाँ से पी वाई क्या निकल कर आया,
पी वाई आपका आ जाएगा बच्चों 4/15। तो पी वाई का वैल्यू बच्चों निकल कर आ गया है, आपका पी एक्स मालूम था, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई ये भी बच्चों 2/15 आ गया है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सारे पैरामीटर्स आप निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें इसमें कि आपको पी एक्स यूनियन वाई निकालना हो, तो बच्चों इसको मालूम है आपको पी एक्स प्लस पी वाई और क्या होता है बच्चों माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये होता है बच्चों। तो पी एक्स पी वाई आपको मालूम है, ये भी मालूम है, तो इनकी वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। दूसरा है बच्चों इसको वेन डायग्राम से आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसमें क्या है बच्चों आपको ये निकालना है पी एक्स एक्स डैश अपॉन वाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको इसकी निकालना है बच्चों। तो ये एक्स बना लें, ये वाई बना लें, ये एक्स हो गया बच्चों, ये वाई हो गया, तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा। अब बच्चों ये अगर निकालना है तो फिर इसकी भी वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्स बार व्हेन वाई हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वाई डैश का मतलब क्या हुआ कि इसके बाहर का आ गया रीजन, इसके बाहर का रीजन इसके बाहर का रीजन पूरा हमारा एक्स डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेगा, उसमें से y में कितना है वो मीन्स हमारा अगर बात करें तो y ये टोटल हो गया। तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, इसकी वैल्यू हो गई आपकी p y माइनस p x इंटरसेक्शन y अपॉन बच्चों p y, ये आपका बच्चों आंसर होगा। अब ये p y का वैल्यू कितना था आपका, निकल कर आया बच्चों 4/15 माइनस 2/15 अपॉन बच्चों 4/15, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये 1 - 1/2 मीन्स 1/2 आंसर होगा। तो यही ऑप्शन बच्चों बी था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या है, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल, एक सर्कल आपको दिया गया है बच्चों, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 4y माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका सेंटर तो आपका फिक्स है, सेंटर कितना है, सेंटर है -1, -2। रेडियस बच्चों किसके बराबर होगा, रेडियस आपका हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ हमारा 1² + 2² और क्या होगा बच्चों ये प्लस पी हो जाएगा, ये आपका क्या है बच्चों स्क्वेयर रूट ऑफ 5 + p आपका रेडियस हो गया है। अब इसको बोला गया है बच्चों एंड हाउ फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल द गिवन सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 common points, हैव एग्जैक्टली 3 common points है। ये सर्कल है बच्चों, इसका सेंटर ये है जो कि किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो -1, 2 इधर पे कहीं होगा पॉइंट। तो बच्चों अब ये कैसे कैसे हमारा 3 coordinate axis ये हो गए बच्चों, एक्स एक्सिस आपका वाई एक्सिस, तो एग्जैक्टली 3 point पे ही कट कर रहे, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, ऐसे करके ऐसा हो जाए या फिर बच्चों क्या हो जाए, और अगर दूसरा जगह बनाया जाए इसको, तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा ओरिजिन से ही पास कर जाए और ऐसा कुछ दिख जाए, या फिर बच्चों क्या हो जाए, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये बच्चों है और इसको टच करे और ये ऐसे करके ऐसा हो जाए। तो बच्चों ये हमारी 3 possibilities हैं, इनको तीनों को आप क्या कर सकते हैं, तीनों को अप्लाई कैसे करेंगे वो आपको सोचना होगा। तो बच्चों ये हमारा सेकंड केस आप ले, तो इसमें क्या है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से अगर पास करेगा तो 0, 0 इसको सेटिस्फाई करा देंगे, तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये वाला सिचुएशन बच्चों, तो ये वाले सिचुएशन का क्या मतलब हुआ वो आपको देखना है। ये टच किसको कर रहा है बच्चों, वाई एक्सिस को, और इसका सेंटर क्या है बच्चों, सेंटर है आपका -1, -2।
तो बच्चों ये माइनस वन कॉमा माइनस टू है, इसको टच करा है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हुई बच्चों, वन के बराबर हो गई। अगर ये वन के बराबर हो गई तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया बच्चों, वन के बराबर, तो रेडियस आपका कितना था बच्चों, फाइव प्लस पी इज इक्वल टू वन। तो यहां से बच्चों पी क्या निकल कर आया, पी आ गया आपका पी इज इक्वल टू बच्चों माइनस फोर, पी इज इक्वल टू माइनस फोर यहां से निकल कर आ गया। लेकिन क्या है बच्चों, p इज इक्वल टू माइनस फोर रख दें आप तो ये सर्कल क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर वाई और प्लस फोर इज इक्वल टू बच्चों जीरो के बराबर, ये ऐसा बन गया है। तो बच्चों आपको ये भी देखना है कि ये तो आपने क्या किया, इसके इसको टच करा दिया है, टच कर गया, लेकिन बच्चों ये इंटरसेप्ट मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आपने रेडियस वन कर दिया तो ये लेंथ कितनी थी बच्चों, ये तो आपका टू के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये माइनस टू आपका सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट था, तो एक्चुअल में बच्चों ये रेडियस बनाया होगा तो ये ऐसा ही सर्कल आपका दिखेगा, तो ये वैल्यू बच्चों एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब इसका अगर बात करें बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि ये क्या करना है, रेडियस को क्या कर देना है बच्चों, टू यूनिट कर देना है। क्यों, क्योंकि सेंटर आपका क्या था, माइनस वन कॉमा माइनस टू, तो बच्चों रेडियस थी आपकी फाइव प्लस पी, तो इसको टू कर दें मींस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस वन आएगा। ये अगर माइनस वन हो गया बच्चों, ये लेंथ आपकी वन थी तो ये ऑटोमेटिक इधर कट कर गया होगा, मतलब ये वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल है, पी इज इक्वल टू जीरो भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर इसमें बोला गया था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी, तो बच्चों आंसर कितना हो जाएगा, टू के बराबर, पी इज इक्वल टू जीरो एंड पी इज इक्वल टू माइनस वन। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 में है, एफ एक फंक्शन है, आर टू आर फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, एफ पाई बाय टू इज इक्वल टू बच्चों थ्री के बराबर है, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू बच्चों वन है, जी एक्स आपको दिया गया है, जी एक्स है बच्चों जीरो टू पाई बाय टू एफ डैश टी कोसेक टी माइनस कॉट टी कोसेक टी इनटू एफ टी डीटी, ऐसा दिया गया है। तो बच्चों आपको ये दिख रहा होगा कि ये फंक्शन क्या है आपका, ये किसका बच्चों डिफरेंशिएशन है, जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ये बच्चों क्या है, सिंपल सा एफ टी इंटू कोसेक टी, ये आपका बच्चों फंक्शन है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो एफ टी इंटू कोसेक टी ये बच्चों आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें बच्चों लिमिट रखनी है जीरो टू पाई बाय टू, तो अगर इसमें बच्चों पाई बाय टू रख दें तो कोसेक पाई बाय टू वन के बराबर हो गया, तो एफ पाई बाय टू, तो ये आ गया बच्चों एफ पाई बाय टू माइनस ये आ गया एफ एक्स इंटू कोसेक एक्स, ऐसा आ गया है, ऐसा आ गया है बच्चों। तो ये आ गया आपका जी एक्स का वैल्यू, तो बच्चों एफ ओ पाई बाई टू कितना था, थ्री के बराबर, तो जी एक्स इज इक्वल टू आ गया थ्री माइनस एफ एक्स इंटू कोसेक एक्स, ऐसा आ गया है। अब बच्चों करना क्या है आपको, इसमें करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो करना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर जीरो करें तो ये क्या निकल कर आएगा बच्चों, थ्री माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स अपॉन बच्चों साइन एक्स, ऐसा होगा। अब क्या करना है कि ये जीरो है बच्चों, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गए, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गए, तो बच्चों इसकी लिमिट एल हॉस्पिटल से आप निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी बच्चों, ये एल हॉस्पिटल लगाया जाए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये आएगा बच्चों एफ डैश एक्स अपॉन कॉस एक्स आएगा। अब बच्चों क्या होगा कि एफ डैश जीरो कितना है आपका, जीरो के वन के बराबर है बच्चों, तो ये वन आ गई लिमिट इसकी, और ये थ्री था तो थ्री माइनस वन बच्चों क्या हो गया, टू के बराबर आ गया। तो यही आपका क्या है बच्चों, आंसर निकालना था, तो इसका आंसर कितना हो गया, टू के बराबर हो चुका है। अब बात करते हैं बच्चों 46 है आपका,
46 है बच्चों, मैट्रिक्स इक्वेशंस की हेल्प से कैसे आप लीनियर इक्वेशंस को बच्चों लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो है बेसिकली। तो बच्चों इसमें दिया क्या गया है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये दिया गया है आपको मैट्रिक्स ऑफ वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा वन और बच्चों ये है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बच्चों वन माइनस वन वन। तो बेसिकली क्या है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए क्या होना चाहिए, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बच्चों, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है और ये क्या है, नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से तीन इक्वेशंस आप तुरंत मल्टीप्लाई करके जनरेट कर सकते हैं, वो क्या आएंगी बच्चों, अगर तो ये इक्वेशंस ही आप पहले लिख दें तो रो वाई कॉलम करते हैं तो ये आ गया बच्चों एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू वन होगा। रो वाई कॉलम मीन्स बच्चों अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू माइनस वन, ये वन, ये आएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस हमारा जेड। ऐसी ये तीन इक्वेशन को बेसिकली बच्चों सॉल्व करना है, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो बच्चों ये डेल्टा की वैल्यू आपको मालूम होगी कितनी होती है, जीरो के बराबर होती है, मीन्स वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा वन, ये जीरो के बराबर आपका होगा। तो इसकी वैल्यू आप निकालें सिंपलीफाई करके तो वन वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और ये क्या आएगा बच्चों अल्फा माइनस अल्फा क्यूब ऐसा और क्या आएगा बच्चों प्लस अल्फा स्क्वायर ऐसा और अल्फा माइनस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू जीरो ऐसा आएगा। तो बच्चों इन टर्म्स को आप सिंपलीफाई करें तो वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर फोर ये यहां से आएगा प्लस अल्फा क्यूब माइनस क्या आएगा बच्चों अगर बात करें ये अल्फा स्क्वायर हो गया तो ये बच्चों अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा अगर इसको बच्चों एक्सपेंड करें तो ये क्या रहा होगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर तो बच्चों ये तो जीरो बन गया ऐसा रहा होगा बिल्कुल। तो ये तो बच्चों जीरो ही टर्म बन गया है तो ये कितने टर्म्स आए यहीं तक टर्म्स हमारे निकल कर आए होंगे ये अल्फा स्क्वायर प्लस ठीक है इज इक्वल टू जीरो के बराबर। तो ये क्या इक्वेशन निकल कर आई बच्चों कि अल्फा की पावर फोर माइनस टू अल्फा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस वन। अल्फा की जो दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं बच्चों वो प्लस माइनस वन ही हो सकती हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि इन वैल्यूज के लिए फिर आपको क्या करना होता है कि बच्चों एलिमिनेशन मेथड ही बेस्ट अप्रोच होता है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन बच्चों। तो आपको बस अल्फा इज इक्वल टू वन इसमें रख दें तो इक्वेशन क्या बन गई फॉर अल्फा इज इक्वल टू वन। तो बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन। बच्चों ये दोनों सेम इक्वेशंस हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों वन लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस वाई प्लस जेड है यही वन के बराबर भी होना चाहिए यही माइनस वन के बराबर होना चाहिए फॉर अल्फा इज इक्वल टू वन। दैट मीन्स हमारा इसके लिए क्या हो रहा है कि नो सॉल्यूशन आ रहा है फॉर अल्फा इज इक्वल टू वन नो सॉल्यूशन है बच्चों। तो आपको करना क्या था दिया क्या गया था कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं अब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो इसके लिए तो नो सॉल्यूशन आ रहा है। तो बच्चों फॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन के लिए अगर बात करें तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बनेंगी एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन ये बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस वन ये बनेगा बच्चों एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन। बच्चों अगर आप देखें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है ये इक्वेशन दोनों सेम है बच्चों। तो ये बेसिकली क्या बन गया x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बच्चों
वन के बराबर बन गया है। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों, ये तो तीनों इक्वेशंस सेम बन गई हैं। तीनों इक्वेशंस सेम का मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसके कैसे सॉल्यूशंस हो गए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसी रख देना, ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये तो एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। तो ये प्लेन का इक्वेशन है, तो प्लेन में तो बहुत सारे एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन बच्चों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन की। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये तो आपको दिया गया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है कि 10 लेटर्स दिए गए हैं बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये बच्चों आपको लेटर्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये बच्चों आपको 10 लेटर्स दिए गए हैं। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। एक बार फिर से इसको देखें बच्चों, वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 आर फॉर्मड यूजिंग द लेटर्स ये। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। तो बच्चों 10 लेंथ ऑफ हमारा वर्ड क्या था, वो 10 था। तो फिर बोल सकते हैं कि नो लेटर इज रिपीटेड है बच्चों, कोई भी लेटर रिपीट नहीं किया गया है। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 10 फैक्टोरियल हो गया। 10 फैक्टोरियल वर्ड्स हमारे ये बन रहे होंगे। ये बच्चों बिल्कुल बेसिक चीज है। अब y क्या है बच्चों, y है कि बच्चों ये 10 लेटर्स का ही वर्ड है आपका। y बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली वन लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस। एग्जैक्टली वन लेटर ही रिपीट किया गया है इन 10 लेटर्स में से बच्चों, एंड नो अदर लेटर इज रिपीटेड। तो फिर आपको क्या करना होगा बच्चों कि ये जो वर्ड बना होगा बच्चों 10 लेटर्स का, तो उसमें बच्चों ये 10 बॉक्स बना दें, तो ये हमारे 4, ये बच्चों 10 हमारे बॉक्सेज हो गए। तो इसमें कितने डिफरेंट लेटर्स यूज होंगे बच्चों, 9 डिफरेंट लेटर्स। पहले क्वेश्चन को आप समझे, 9 डिफरेंट लेटर्स, और ये बच्चों क्या है, 10 लेटर वर्ड है। 10 लेटर वर्ड है आपके पास। लेटर्स कितने हैं बच्चों, 10 है। तो 10 में से पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, 9 लेटर्स सिलेक्ट करना होगा। अब आपके पास 9 लेटर्स हैं, तो उसमें कौन सा लेटर बच्चों आपका दो बार यूज किया जा रहा है, उसका तरीका क्या होगा बच्चों, 9C1, 9 में भी एक सिलेक्ट करना होगा। अब बच्चों आपको क्या है कि ये तो सिलेक्शन हो गया आपका, अब उसका अरेंजमेंट कैसे होगा बच्चों, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बच्चों क्या होगी, वाई की वैल्यू हो गई। अगर ये वाई की वैल्यू हो गई तो फिर आपको पूछा क्या गया है बच्चों, वाई अपॉन 9x, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ये क्या हो गया 10, ये 9, तो 10 इंटू 9 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2, 9 इंटू एक्स, तो 9x का वैल्यू बच्चों क्या था, 10 फैक्टोरियल था। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया बच्चों, 5 के बराबर। तो ये भी बच्चों सिंपल सा अरेंजमेंट आपका दिया गया था बच्चों। तो आपको आसान क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में बच्चों बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। तो आप जितना इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही आपको आसान चीजें लगेंगी। अब बात करते हैं बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ये मान लिया गया, तो आपको इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप क्या मान सकते हैं बच्चों, a माइनस डी ए प्लस डी, ये आपकी बच्चों साइड्स हो गए। इफ द ट्रायंगल हैज एरिया, एरिया बच्चों आपको क्या दिया गया है, एरिया आपका हो गया हाफ ए इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 24। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, बच्चों स्मॉलेस्ट साइड का आपको लेंथ निकालना है। तो क्या करना होगा बच्चों, एक ये रिलेशन आपको ए एंड डी में दिया गया है, दूसरा कहां से आएगा बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल था,
तो ये क्या हो गया, ए स्क्वेयर प्लस हमारा ए माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी का होल स्क्वायर। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो ए स्क्वेयर प्लस हमारा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी, ऐसा आ गया बच्चों। तो डी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए डी आ गया है बच्चों, मीन्स ए इज इक्वल टू फोर टाइम्स डी आ गया। ये अगर निकल कर आ गया है बच्चों, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर क्या होगा कि हाफ टाइम्स ए का वैल्यू बच्चों 4d, और ये क्या होगा 4d माइनस d मतलब 3d इज इक्वल टू 24, मीन्स आपका क्या हो गया बच्चों, ये इधर कैंसिल हो गया 6, मतलब d स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो 6 मतलब 4, d स्क्वायर 4 आया, मीन्स d इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस 2 आ गया। d का वैल्यू आ गया बच्चों, a आपकी क्या माना था, साइड माना था, तो बच्चों a इज इक्वल टू 4d है, मतलब d का वैल्यू कौन सा ही एक्सेप्टेबल होगा बच्चों, प्लस 2 ये होगा, a आपका साइड है बच्चों, a इज इक्वल टू 4d है, तो d भी आपका क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। a आपने साइड को माना था बच्चों, साइड है तो लेंथ होगा तो पॉजिटिव होगा, तो d का वैल्यू आ गया बच्चों, तो a कितना हो गया, a आपका 8 के बराबर हो गया, तो ये स्मॉलेस्ट साइड ये थी बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 मतलब 6 के बराबर। तो ये भी बच्चों आपका आसान क्वेश्चन ही था। अब बात करते हैं बच्चों कि आपको दो मैट्रिक्स मैचिंग दिए गए थे, कुछ हमारा ये देखने में थोड़ा सा नया टाइप का आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बच्चों जो क्वेश्चन है एक्चुअल में वो बहुत ही आसान है। इसमें बच्चों तीन तीन क्वेश्चन है हमारे, दो पैराग्राफ, दो मैट्रिक्स मैचिंग में, तो हमारा 49 से 51 का अगर बात करें तो ये किस पे बेस्ड है बच्चों, वो आपको देखना है। तो बच्चों फर्स्ट कॉलम में आपको क्या दिया गया है, कॉनिक दिया गया है, आपका पैराबोला है, इलिप्स है बच्चों, हाइपरबोला भी है, और क्या है, सर्कल भी है। और फिर सेकंड कॉलम में क्या है बच्चों, एम स्लोप का टेंजेंट दिया गया है। और बच्चों फिर थर्ड कॉलम में क्या दिया गया है, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया गया है। तो अगर इसका कॉलम बच्चों आपको मैच कराएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बच्चों ये क्या हो गया आपका इलिप्स हो गया, ये क्या है बच्चों सर्कल है, ये क्या है बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स पैराबोला है, और क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर, ये क्या है हाइपरबोला है। तो इनके लिए बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन का अगर बात करें तो सेकंड कॉलम का जो है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस हमारा a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, ये बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन होता है सर्कल के लिए, आपको मालूम होगा ये एम एक्स प्लस माइनस भी होता है, लेकिन इस कॉलम में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ये मैचिंग हो गया एक तरीके से। ऐसे ही बात करें बच्चों ये इलिप्स है, तो इलिप्स के लिए कौन सा हो जाएगा, इलिप्स के लिए हो जाएगा बच्चों फोर्थ वाला ऑप्शन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही बच्चों ये पैराबोला है, तो पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और बच्चों ये हमारा इस फॉर्म में दिया गया है कि m को एलसीएम ले लिया गया है। और क्या है बच्चों ये हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1। तो ये बच्चों मैच करा लिया, अब आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आप तुरंत क्या कर सकते हैं बच्चों, वो भी मैच करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी मैच कराया जा सकता है। तो बच्चों इसमें दिया क्या गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें 49 उस पे ही आ जाते हैं डायरेक्टली। अब a इज इक्वल टू रूट टू दे दिया गया है, इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू सुटेबल कॉनिक इन कॉलम वन, कॉलम वन में क्या थे बच्चों ये कर्व्स थे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो है माइनस वन कॉमा वन।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ऑप्टेनिंग इट्स इक्वेशन। तो बच्चों इसमें ऑप्टेनिंग इट्स इक्वेशन है, तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं कि a का वैल्यू ये हो गया, तो अगर सर्कल होगा तो ये सर्कल क्या बन जाएगा, ऐसा बन गया। अब बच्चों इस पॉइंट पे ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, t इज इक्वल टू जीरो होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों, t इज इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पे करें तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू माइनस वन प्लस y इंटू वन इज इक्वल टू टू, ये टेंजेंट का इक्वेशन निकल कर आ गया है बच्चों t इज इक्वल टू जीरो से। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये हमारा फर्स्ट है बच्चों सर्कल था, और ये सेकंड में क्या होगा बच्चों, सेकंड वाली इक्वेशन मैच करेगी, और उसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, माइनस वन कॉमा वन, वो भी आप मैच करा सकते हैं। अब बच्चों इसमें बात करें हमारा 50th क्वेश्चन का, तो 50th क्वेश्चन है कि इफ ए टेंजेंट टू ए सुटेबल कॉनिक इज फाउंड टू बी, मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस एट क्या है बच्चों, ये आपकी टेंजेंट है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका दिया गया है 8.16 दिया गया है बच्चों। तो आपको ये सोचना है कि किसका क्या ये अगर टेंजेंट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो वो कोनिक कौन सा रहा होगा, क्या मैचिंग होगा। तो बच्चों आप ये तीसरे कॉलम के रेस्पेक्ट में भी पॉइंट ऑफ हम लोग कॉन्टेक्ट लिख दें तो बच्चों बहुत ही आसानी से लिखे जा सकते हैं। तो बच्चों ये सर्कल था, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, माइनस एम ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस वन वाला मैच करेगा, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम ए स्क्वायर, ऐसा ऐसे ही बात करें इसका भी बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या था, इलिप्स था। तो इलिप्स के लिए बच्चों इसमें कौन सा होगा, इलिप्स के लिए होगा माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ हमारा ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर प्लस वन कॉमा, ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों इसके लिए अगर आप देखें तो ए का वैल्यू भी आपको सोचना पड़ सकता है। ए का वैल्यू आप जैसे ऐसे सोचें कि बच्चों अगर ये पैराबोला है, तो इस पैराबोला में अगर ये 8.16 पॉइंट रख दें, इसमें बच्चों जनरल पॉइंट भी आपका क्या होता है, जनरल पॉइंट होता है हमारा 80 स्क्वायर कॉमा 280, ऐसा होता है। तो 80 स्क्वायर कितना है बच्चों, 8, तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, 280 इज इक्वल टू बच्चों 16 है, इसको डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/2, ये 1/2 टी, मतलब टी इज इक्वल टू बच्चों 1 आ गया। तो ए का वैल्यू बच्चों कितना हुआ, 8 के बराबर। ए इज इक्वल टू अगर 8 है तो फिर ये पैराबोला क्या बन गया बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x बन गया। अब अगर हमारा इस पॉइंट पे 8.16 पे इस पे टेंजेंट लिखें तो टी इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों, वो क्या होता है, वाई इंटू 16 इज इक्वल टू 32x प्लस हमारा 8/2, ऐसा रहेगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, 16x प्लस, और ये 16 बच्चों क्या होगा, 16 कट भी जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये पैराबोला से ही मैचिंग होगा। तो पैराबोला ये हो गया बच्चों, इसका ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तुरंत ये कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि m का वैल्यू 1 है तो बच्चों a का वैल्यू तुरंत कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से भी कंपैरिजन आप कर सकते थे। बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, जो आप टेंजेंट के इक्वेशन निकालते समय पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वगैरह बेसिक थ्योरी में देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 51 की। 51 में है द टेंजेंट टू ए सुटेबल कॉनिक, टेंजेंट टू ए सुटेबल कॉनिक एट, मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बच्चों, और ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है। तो 51 के लिए अगर आप देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये टेंजेंट है, तो इसके लिए बच्चों आपको ये सोचना होगा कि किसके लिए हमारा ये वैलिड है, मतलब ये कौन सा कोनिक होगा। तो अगर इसमें देखें बच्चों, आप सर्कल के लिए देखें तो सर्कल के लिए ये पॉइंट रख के ए निकालेंगे आप, तो बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो वो मैच नहीं करेगा। ऐसे ही बच्चों ये पॉइंट अगर रख दिया जाए √3, 1/2, तो ए का वैल्यू निकल कर आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जाए तो तुरंत आपका क्या होगा बच्चों, ये ऑप्शन
क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा। मतलब ये इलिप्स है बच्चों, इस इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये हमारा एम एक्स प्लस माइनस होता है। तो ये आपको बच्चों थ्योरी में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बच्चों बताया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बच्चों दूसरा है आपका लास्ट बच्चों पैरा, ये हमारा मैट्रिक्स मैचिंग ही है, इसमें फंक्शन आपको दिया गया है। बच्चों सेकंड हमारा मैट्रिक्स मैचिंग टाइप करते हैं हम लोग, इसमें तीन क्वेश्चंस आपके 52 से 54 तक, ये बच्चों कॉलम्स आपको दिए गए हैं, आपको एक बार पढ़ दिया जा रहा है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स है बच्चों 0 से इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड है। कॉलम वन क्या है आपका, कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट जीरोज ऑफ हमारा एफ एक्स। मतलब क्या है बच्चों, इनको एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स इनके बारे में क्या कर रहा है बच्चों, इनके जीरोज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इस एफ एक्स के लिए कौन सा हमारा इंफॉर्मेशन मैच करेगा। सेकंड कॉलम है बच्चों कि आपका नेचर बता रहा है व्हेन एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो एफ एक्स क्या टेंड कर रहा है, एफ डैश एक्स क्या टेंड कर रहा है बच्चों, एंड एफ ऑफ डबल डैश एक्स क्या टेंड कर रहा है ये बता रहा है बच्चों। तीसरा कॉलम क्या है, कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, इसके बारे में नेचर बच्चों बता रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, किसके करेस्पॉन्डिंग क्या मैच करेगा वो आपको देखना है। तो बच्चों इसके लिए आपको एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स वगैरह भी यूज हुए हैं, तो एफ डैश एक्स आपको पहले निकालना होगा। तो वो आ गया 1 + 1/x माइनस बच्चों ये आ गया लॉग एक्स, बच्चों ये बेस e ही है आपका, माइनस वन ऐसा निकल कर आ गया। तो ये आ गया 1/x माइनस लॉग एक्स, तो ये आपका बच्चों एफ डैश एक्स है। अगर एफ डबल डैश एक्स का बात करें तो एफ डबल डैश एक्स हो गया -1/x² - 1/x। एक्स बच्चों आपका क्या था, ये था, तो ये हमेशा क्या हो गया आपका लेस देन जीरो। इसका मतलब बच्चों एफ डबल डैश एक्स कैसा फंक्शन है, बच्चों एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity। बच्चों 0 से इन्फिनिटी तक के लिए ये हमारा एफ डैश एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये तो बच्चों आपका सही ही रहेगा। मतलब एफ डैश इज इंक्रीजिंग 0 to 1, ये आपका किसी के साथ भी नहीं आएगा। अब अगर बच्चों बात करें इसमें कि आपको ये सोचना है कि हमारा ये क्या टेंड कर रहे हैं, ये अगर बात करें तो बच्चों f डबल डैश एक्स ये निकल कर आ गया, तो ये इसका मतलब हुआ बच्चों कि f डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू हमारा, ये ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं कि हमारा x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वो कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए बच्चों निकालना होगा कि f डबल डैश एक्स अगर बात करें x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो ये तो बच्चों जीरो हो रहा है। अगर इसका बात करें तो ये क्या हो रहा है बच्चों, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये बच्चों माइनस इंफिनिटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि x टेंड्स टू बच्चों इसमें इंफिनिटी रखें तो ये टर्म जीरो एंड दिस टर्म विल बी माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब बच्चों ये आपका सही है। अब बात करना है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे एफ एक्स हमारा क्या टेंड कर रहा है। तो एफ एक्स था आपका एक्स प्लस बच्चों लॉग एक्स ऐसा, और क्या है बच्चों माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स ऐसा है। तो बच्चों इसमें अगर लॉग एक्स आप बाहर ले लें तो ये क्या बन गया बच्चों, 1 - x ऐसा बन गया है। अब यहाँ पर देखें तो x है बच्चों x माइनस वन, और ये बच्चों प्लस वन कर लिया जाए तो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, 1 - x अगर बाहर लें तो 1 - x बाहर लिया गया तो ये बन गया बच्चों log x माइनस वन ऐसा बन गया है। और ये क्या है बच्चों, ये प्लस वन है आपका। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा गया बच्चों लिमिट x टेंड्स टू प्लस इनफिनिटी कर लें तो फिर क्या बनेगा बच्चों, x टेंड्स टू प्लस इनफिनिटी पे ये बच्चों माइनस इनफिनिटी हो गया, ये वन तो बच्चों इनसिग्निफिकेंट होगा एज कम्पेयर टू x टेंड्स टू इनफिनिटी में, तो ये बच्चों माइनस इनफिनिटी ये प्लस इनफिनिटी, तो ये वैल्यू बच्चों क्या टेंड करेगी आपकी, माइनस इनफिनिटी टेंड करेगी। मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वाला पार्ट आपका सही है, ये गलत है, तो ये कभी भी आपका नहीं आएगा।
अब इसमें बच्चों बात करना है कि इनके रूट्स के बारे में, कि एफ एक्स जीरो किन किन इंटरवल में हो रहा होगा, किसमें नहीं हो रहा होगा। तो बच्चों इसको पहले फर्स्ट को चेक करना है, तो फर्स्ट को चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि एफ वन आप निकालेंगे, तो एफ वन कितना आएगा, एफ वन आया बच्चों हमारा वन के बराबर। एफ ऑफ ई स्क्वायर का अगर बात करें बच्चों तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका ई स्क्वायर प्लस टू ऐसा माइनस बच्चों क्या आएगा वन टू ई स्क्वायर इंटरवल में करना था बच्चों इसलिए ऐसा किया गया है ऐसा इनटू बच्चों क्या होगा टू हो जाएगा, मतलब ये आ गया आपका टू माइनस ई स्क्वायर। ये तो बच्चों निगेटिव है और ये आपका क्या है बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ही, आपको पता चल रहा होगा लॉग एक्स बच्चों कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो ये बच्चों वन है, ये हमारा ये लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब इसके बीच में जरूर एक रूट इसका रहेगा। अब बच्चों एफ डैश एक्स के बारे में कमेंट करना है कि इसका रूट है कि नहीं, तो फिर एफ डैश आपको क्या निकालना होगा वन निकालना होगा बच्चों। तो एफ डैश वन अगर निकालें तो वो क्या आएगा बच्चों वन रख दें, इसमें तो वन आ गया। एफ डैश ई अगर रखें तो वो कितना आया बच्चों, वो आया है आपका वन, ई रखने पर बच्चों वन अपॉन ई माइनस वन, मतलब निगेटिव आ रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स का भी बच्चों एक रूट एक बार जीरो जरूर होगा फॉर द इंटरवल वन टू ई। अब बच्चों क्या है कि एफ डैश एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन भी था, डिक्रीजिंग अगर फंक्शन था तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये हमारा जीरो कहां पर हुआ होगा, एफ डैश वन पे वन है और इस पे निगेटिव हो गया, मतलब इसके बीच में एक बार ही जीरो हुआ होगा। मतलब एफ डैश एक्स के अगर ग्राफ के बारे में बात करें तो बच्चों ये एफ डैश वन पे क्या है वन है और क्या हो रहा है बाकी निगेटिव कहां पे हो रहा है बच्चों ई पे हो रहा है, तो मतलब ये डिक्रीज ही ऐसा करता चला गया होगा बच्चों। मतलब वन से ई के बीच में ये बच्चों एफ डैश एक्स का ग्राफ बन रहा है एफ डैश एक्स का। तो बच्चों ये हमारा वन से ई के बीच में एक रूट एक ही रूट आएगा, क्यों, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स बच्चों हमेशा निगेटिव था, तो एफ डैश एक्स है जो उसका एक ही रूट होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा इसी इंटरवल में आपका नहीं हो पाएगा। तो ये बच्चों गलत है, ये गलत है। अब इसमें बात करें कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू वन टू ई, तो एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या था बच्चों ये था, तो एफ डबल डैश एक्स का अगर बात करें बच्चों वन पे भी निगेटिव है और ये हमारा सारे एक्स पे ही निगेटिव है बच्चों, तो ये हमारा कभी भी जीरो नहीं रहा होगा। तो अब बच्चों बात करते हैं कि ऑप्शंस कैसे करेंगे, ऑप्शन आप कैसे मार्क करेंगे। तो इसमें बच्चों है कि वन वन पी, वन वन पी का मतलब है बच्चों की एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ये वन का मतलब वो गलत है बिल्कुल बच्चों। बी ऑप्शन का अगर बात करें 52 का बात हो रहा है, सेकंड क्यू का मतलब इसको एंड क्यू पी क्यू, मतलब ये ऐसा बोला जा रहा है बच्चों। तो आप देखें इसमें ये बच्चों ये बिल्कुल सही है कि एफ डैश एक्स ऐसा एफ डैश एक्स हमारा वन से ई के बीच में रूट था, ये बच्चों माइनस इन्फिनिटी भी टेंड कर रहा था। इसमें करेक्ट मैचिंग निकालना है कि मतलब जो जो इनके लिए प्रॉपर्टी एफ एक्स के लिए एफ डैश एक्स के लिए वो हमारी वैलिड है। एफ इज डिक्रीजिंग इन ई टू ई स्क्वायर ऐसा बोला गया है बच्चों कि ये डिक्रीजिंग है, तो फिर उसको आप कैसे सोचेंगे बच्चों, उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि एफ डैश ई स्क्वायर किसके बराबर है, तो एफ डैश ई स्क्वायर कितना है वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस ये कितना आया बच्चों ये आ गया टू, तो मतलब ये लेस देन जीरो आ रहा है। ऐसे ही बच्चों बात करें कि एफ डैश ई तो एफ डैश ई बच्चों कितना है एफ डैश ई है वन अपॉन ई माइनस वन, मतलब ये भी निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस एफ इज डिक्रीजिंग, मतलब क्या है बच्चों कि एफ डैश एक्स इस इंटरवल में एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग था ही आपका, और बच्चों एफ डैश एक्स का वैल्यू इस इंटरवल में निगेटिव ही है, तो बच्चों ये हमारा एफ एक्स कैसा फंक्शन रहा होगा इस इंटरवल में डिक्रीजिंग रहा होगा, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो चुका है। अब ऐसे ही बात करें बच्चों ये अगर ऑप्शन आपका सही हो गया तो 53 में वन को वन तो बच्चों
ओनली करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो वन तो आपका क्या था बच्चों, वन तो वैलिड था, वन तो वैलिड था, तो वन को किससे, सेकेंड से, तो वन को सेकेंड से बिल्कुल मैच कर सकता है बच्चों। लेकिन आर किया गया, आर क्या है कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स तो बच्चों हमेशा डिक्रीजिंग था, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर सेकेंड थर्ड एस, मतलब सेकेंड थर्ड एंड एस, इससे मैच कराया गया तो ये बच्चों सही है, ये भी आपका सही था बच्चों। एफ डैश एक्स टेंड्स टू क्या आया था, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आया था, और ये बच्चों सेकंड, ये भी आपका सही है, मतलब यही आपका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बच्चों आपको इसमें थोड़ा सा बस एनालाइज करना है कि कौन कौन से इसमें सही थे, सही पार्ट इसमें क्या थे, इसमें सही पार्ट कौन से थे, इसमें सही पार्ट कौन से थे, उन्हीं को ही आपस में करेक्ट वाले ही मैच कराना है। अब बच्चों 54 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ओनली इनकरेक्ट, ओनली इनकरेक्ट है बच्चों। तो इसमें जैसे बोला गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, तो फर्स्ट को थर्ड से मैच कराया गया पी से, तो बच्चों फर्स्ट को थर्ड से आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, फर्स्ट को थर्ड से और बच्चों फिर पी से, ऐसा किया गया है। तो बच्चों एफ एक्स इंक्रीजिंग है कि नहीं वो आपको देखना होगा, ये बिल्कुल सही है, ये भी बच्चों आपका क्या सही है, थर्ड वाला, ये भी बच्चों सही है। और फिर क्या है बच्चों, थर्ड कॉलम में आपको ये ऑप्शन आपके क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ही आपको बच्चों अप्रोच करना होगा कि उनमें चार में से कौन सा गलत है। तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन जो है पहला वो है फर्स्ट थर्ड पी, फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, पी। अब बच्चों पी को चेक करना है, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग बोला गया, ये सही है कि गलत है, तो बच्चों इसका साइन आपको चेक करना होगा। अगर वन रखें तो बच्चों एफ डैश वन कितना आएगा, एफ डैश वन आ गया बच्चों, एफ डैश वन आ गया वन, मतलब पॉजिटिव आया है, ठीक है। अब बच्चों ये अगर पॉजिटिव आया है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि हमारा बच्चों ये डिक्रीजिंग फंक्शन था एफ डैश एक्स, तो एफ डैश जीरो क्या, जीरो प्लस क्या रहा होगा बच्चों, एफ डैश जीरो प्लस भी पॉजिटिव वैल्यू रहा होगा, मतलब ये बच्चों सही है आपका, जो मतलब फर्स्ट थर्ड एंड पी ये सही है। लेकिन बच्चों इनकरेक्ट वाला आपको ढूंढना था, मतलब ये आपको ऑप्शन टिक नहीं करना है, ऐसे ही बच्चों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब थर्ड को फर्स्ट से, फर्स्ट ये गलत हो गया बच्चों, तो यही आपका क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये किसी में भी नहीं आना चाहिए था। तो बच्चों इस तरीके से आप इस पेपर को कर सकते हैं। अब दूसरा पेपर भी आपको, उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।